स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवर चौधरी। आजकल देखने में आया है कि हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन जो है वो अमेजोन के ऊपर या एफिलिएट मार्केटिंग के साथ काम कर रही होती है या फिर बतौर फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बज़ाहिर ये एक इंतहाई ज़बरदस्त तरीक़ेकार है जिससे आप अपने ख़ानदानों को एम्पावर कर रहे हैं और ख़ानदान में मौशी खुशहाली को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा अहम इशू जो हमें देखने में आ रहा है क्लिनिकल स्टडीज़ के हवाले से, वो है आप लोगों के कमर का दर्द ज़्यादा लेट आवर्स बैठने पर। अब स्क्रीन का काम ही ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो बाजू का दो दो घंटे आपको होश ही नहीं रहता कि आपके बैठने का पोस्चर कैसा है, आपने कुछ खाया है या नहीं खाया। तो उस सूरत में आपके ये कमर के पट्टे जो हैं ये मुतासर होते हैं। आपके बैठने के गलत पोस्चर की वजह से, कमर के पट्टों की वजह से वहाँ पर खिंचाव पैदा होता है, दबाव आता है और उसकी वजह से अक्सर लोगों को शेटिका पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टांगों में सुनपन या टांग में एक लकीर में दर्द जाना शुरू हो जाता है। इसको शेटिका पेन, लंगड़ी का दर्द, अर्कोनिसा या रिंगणवा कहा जाता है। इस बीमारी के लिए बुनियादी ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने सिटिंग पोस्चर को बेहतरीन बनाएं। इस वीडियो के अंदर हम अपने एक वीडियो टैग करेंगे जिसमें आपको सिटिंग पोस्चर के हवाले से बताया गया है कि किस तरीके से आप कमर दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर इस मसले का शिकार हो चुके हैं तो वाक लाजमी करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और बाकायदा होम्योपैथिक इलाज करवाएं। हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी शानदार अद्वियात हैं जो आपके मस्कुलर स्पाज्म को ठीक कर देंगी, आपके पट्ठों के खिंचाव को ठीक करेंगी, मोहरों का अगर बेतरतीबी आ गई है या वहाँ पर डिजेनरेशन या डिसलोकेशन आ रही है, हर्निएटेड डिस्क के मसाइल हैं और उसकी वजह से शेटिका पेन काज कर रहे हैं, तो आप इससे मुकम्मल तौर पे जान छुड़वा सकते हैं। होम्योपैथी में हम बड़े सहल और आसान तरीके से आपको इन वारदात के हवाले से मुकम्मल शिफायाबी का इंदिया देते हैं। तो इस हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल रिव्यूज़ पर या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज़ हैं कमर दर्द शेटिका पेन के हवाले से, आप उनको देख सकते हैं और अपने इलाज मुआवजे के लिए अभी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो है वो ऑपरेट का मशवरा दिया जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अक्सर लोग बैक की सर्जरीज वगैरह करवाते हैं। सर, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड ऐसे केसेज हैं जहाँ पे लोग एक से दो दफ़ा सर्जरीज करवा चुके हैं। सर्जरी की वजह से भी इसका इलाज मुमकिन है, हो जाते हैं, लेकिन चांसेज होते हैं 30-50%। और अक्सर ये देखा गया है कि दोबारा से मसला उद आता है, तो ऐसी सूरत में बेटर वे ये है कि आप पहले होम्योपैथी की तरफ आएं, जहाँ पे आपको सेफ़ और इफ़ेक्टिव वे से सोल्यूशन दिया जाता है। जहाँ तक दर्द और तकलीफ की शिद्दत है, लोगों के जहन में ये होता है कि होम्योपैथी सुस्त तरीका इलाज है, हमें बड़ी देर के बाद रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कतई नहीं है। हम आपको कहते हैं कि आप आएँ, अगर आप सवियर पेन में हैं हमें आधा घंटा टाइम दें, एक डोज आपके मुँह में डालेंगे, अगर आपको आधे घंटे में तसल्ली होती है, आपको सुकून मिलता है, तो फिर आप अपना इलाज कंटिन्यू कीजिए। कोई लंबा चौड़ा तरीक़ाकार नहीं है, आपको जस्ट अपनी कंडीशन बतानी है और उसके मुताबिक मीठी मोटी गोलियों से अपना इलाज मुआवजा कराना है। बेस्ट ऑफ लक।